सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, सबसे पहले चलिए आज कुछ ज्ञान विज्ञान की बातें करें, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स के मैसेजेस आते हैं और कुछ इन्वेस्टर्स कभी कभी जो नए हैं, जो बिगिनर्स हैं मार्केट में, वो पूछते हैं सर कि ये स्टॉक में ही क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें क्या फ़ायदा है। तो कभी कभी मैं मैसेजेस में उत्तर दे देता हूँ और कभी कभार तो कम शब्दों में ही हम उत्तर दे पाते हैं। तो चलिए उन बातों को थोड़ा आज खुलकर और कुछ पॉइंट से आपको बोलना भी चाहूँगा कि स्टॉक में ही हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले तो जब आप इन्वेस्टमेंट का विषय रखते हैं तो सबसे पहले अगर आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं, कोई भी लॉन्ग टर्म का जब आप नज़रिया रखते हैं तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट में आप फ़ायदा ही कमाएंगे। अब स्टॉक इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, अगर आप कोई बड़ा पैसा है आपके पास, एक पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, तो आप बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रख देते हैं, और वही चीज़ अगर आप उतना ही पैसा अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा स्टॉक हो और सही दिशा हो और आपका टाइम सही है, तो निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होना जरूरी है। और उसी के साथ साथ आपको कमाई का भी विषय देता है, किस रूप में कि कैपिटल एप्रिसिएशन तो होता है लॉन्ग टर्म में, अगर स्टॉक आपका अच्छा है, सिलेक्शन सही है, तो ये बातें निश्चित रूप से संभव है और होता भी है। और डिविडेंड, ये आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें आपका एनुअल रिटर्न जो आता है वो एक डिविडेंड के रूप में भी आता है यदि आपका इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनी में है। और लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आप लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर उस कंपनी से डिविडेंड कमाते रहेंगे। और उसी के साथ साथ दूसरी बात कि अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, उस कंपनी का रिजर्व सरप्लस लगातार बढ़ता जा रहा है, और कंपनी की मैनेजमेंट पॉलिसी अगर ये कहती कि चलो अच्छी बात है कुछ बोनस इश्यू किया जाए, तो अल्टीमेटली किसको फ़ायदा होगा, शेयर होल्डर्स को, क्योंकि बोनस शेयर्स मिलता है। बोनस शेयर्स यही है कि आपको फ्री गिफ्ट, एक और एक्स्ट्रा शेयर्स मिलते हैं अगर आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। तो ये सब तो फायदे की बात हुई, और इसी तरह से हाँ, रिस्क भी यही रहता है। रिस्क है दोस्तों कि सिर्फ प्राइस का नीचे गिरना, अब वो हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं प्राइस का नीचे गिरना निश्चित ही है, और प्राइस का नीचे गिरने का मतलब ही है कि आपको एक मौका देता है, एक अवसर मिलता है कम भाव में शेयर्स खरीदने का। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैं यही कहूँगा कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट। आज जो कैपिटल एप्रिसिएशन पिछले 2 साल में हुआ है कुछ कंपनियों का, वो उतना हुआ है कि किसी प्रॉपर्टी में उतना इन्वेस्टमेंट में रिटर्न नहीं दिया है, या कोई भी एरिया में नहीं रिटर्न मिला है, जितना कि हम दावे से कहते हैं कि इक्विटी शेयर्स में जो अच्छी कंपनियां हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रांग हैं और जो चल रहे हैं, ये सब चीज़ें उसमें शामिल है। तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है दोस्तों। मैं भी देखता रहा दोस्तों कि IRCTC के ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता था। पिछला वीडियो जब मैंने बनाया, लगभग ये 1 महीना हो गया दोस्तों पिछले वीडियो के साथ, अगर मैं पिछला वीडियो देख रहा हूँ तो 1 महीने के ऊपर हो गया है। लेकिन ये बात है दोस्तों कि मैं उस पर मेरा ध्यान पूरा रहा, IRCTC से मेरा ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस कायम ही है दोस्तों। तो उसी आधार पर आपका ध्यान आज आकर्षित करने जा रहा हूँ। IRCTC ये मेरा पार्ट 22 चल रहा है दोस्तों, और करंट मार्केट प्राइस देखिए दोस्तों 1341.80 एज ऑन 21st अगस्त 2020 के हिसाब से। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक लेवल पर स्थिर है 21,468.80 करोड़। दोस्तों आप, मेरा पिछला जो वीडियो बना था वो 17 जुलाई का था और आज 22 अगस्त है। अब 1 महीना से ज़्यादा हो गया है समय के आधार पर मैं देख रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात कि मैंने जो लेवल कहा था आपसे, पिछला लेवल ये कहा था कि 1300 का लेवल 1300 इसने नहीं तोड़ा, और उसी हिसाब से 1450 भी उसके ऊपर भी नहीं गया, एक लेवल जाकर शुरू में जब उसका रिजल्ट था फिर पीछे की ओर ले लिया। अगर मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें सारी बातें हैं। अब इस दौरान दोस्तों आपने भी न्यूज़ देख रहे हैं, करंट न्यूज़ में है कि गवर्नमेंट कुछ स्टेक बेचेंगे, कुछ बातें होंगी। अब इसका क्या रूप स्वरूप होगा, मैं सबसे बेस्ट बाइंग स्ट्रेटेजी आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, उस पर आप ध्यान दीजिए, बस उसमें आप पूर्ण रूप से फोकस रहिए।
सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी बाइंग का क्या होना चाहिए। हमारा जरिया और नजरिया किसका है? लॉन्ग टर्म का है, ठीक है। तो IRCTC में देख रहा हूं कि जिस समय ये 1300 तोड़े तो मैं ये शेयर खरीदूंगा, 1300 के नीचे जब आना शुरू करेगा, जैसे ये 1300 का लेवल टूटा। देखिए अभी स्टेक का तो न्यूज आ गया है, बातें हो रही हैं, बाकी तो आप सब जानकारी में है ही है आपके, उसके बारे में मैं डिटेल नहीं कहूंगा। बात यह है कि असर क्या पड़ रहा है प्राइस के, जब शेयर प्राइस पे असर क्या पड़ रहा है उसको बारीकी से देखकर इन्वेस्ट करिए दोस्तों। आप जैसे एक माइक्रोस्कोपिक लेंस से हम कोई चीज को बहुत बारीकी से देख लेते हैं, साइंस की बात में आ गया हूं थोड़े समय पॉइंट पे, वैसे ही सेम आपको प्राइस में बहुत ही बारीकी और सूक्ष्म रूप से आप देखिए कि 1300 तोड़ रहा है क्या। जिस समय ये 1300 रुपया तोड़ता है तब आप इसे खरीद लीजिए, लेकिन कम पैमाने पे, शब्दों पे विशेष ध्यान रहे। मैंने 1300 टूटते ही 1290 आ गया, उसके नीचे जा रहा है, ठीक है चलिए फिर हम 5-5 या 2-2, 4-4, 5-5 बस इतना ही लेना है हमें। और कोई बात, और कोई अच्छा न्यूज आ गया IRCTC के बारे में, तो हो सकता है ये लेवल तक जाए और ये तोड़े। तो अगर ये 1400 के ऊपर जा रहा है तो आप शॉर्ट टर्म पॉइंट से सोचकर चलिएगा, क्योंकि मेरा हमेशा नजरिया लॉन्ग टर्म का है IRCTC में। तो अगर 1450 का लेवल ये तोड़ता है तो कम पैमाने पे लेकर थोड़ा आप उसको चेक करिए कि कहां तक जा सकता है। तो ये बाइंग स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट होगा, तब तक आप कोई पैसा इन्वेस्ट ना करें। तब तक ये देखिए, ठीक है थोड़ा लेकर मैंने ले लिया है ऑलरेडी, क्योंकि सभी के पास, जहां तक मैं ज्यादातर कह सकता हूं कि अधिक से अधिक लोगों के पास IRCTC का शेयर्स ऑलरेडी है। तो अब आपको अपना नंबर्स बढ़ाना है तो सबसे उचित कदम यह होगा कि 1300 के नीचे आए तो लेंगे, और 1340-50-60-70 में तो आपके पास है ही है, पहले से ही शेयर्स हैं और उसके ऊपर के भाव से भी हैं। तो सबसे बेस्ट होगा कि जब तक ये 1300 नहीं टूटे तब तक आप क्या करिए, अपने को निष्क्रिय रखिए, इनएक्टिव रहिए, एक्टिव जोन में तब आइए जब ये 1300 का लेवल तोड़े। तो सबसे बेस्ट बाइंग स्ट्रेटेजी यही है दोस्तों IRCTC का, जो मैं आपके नॉलेज में आज बता रहा हूँ, और इन्हीं बातों को आप ध्यान रखिए। कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि आप जब भी IRCTC में इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के नज़रिए से करेंगे, तभी जाकर आप सफल रहेंगे और आपके इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ रहेगा। बस दोस्तों यही कहना था आपके नॉलेज के लिए। चलिए फिर मिलते हैं।